पाटन के प्रख्यात देवड़े बनाने वाले हैं आज, तो उसकी रेसिपी के लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैदा लिया है। अब मैदा हमने यहाँ पे 4 कप के करीब लिया है, उसके अंदर घी डालना है। तो ये जो देवड़ा होते हैं ना, उसके अंदर घी का मोइन जो है वो ज़्यादा मात्रा में जाता है। जितना हम शक्करपारा बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा जाता है। तो आपने जितनी क्वांटिटी के अनुसार मैदा लिया है, अपनी क्वांटिटी के अनुसार इसके अंदर घी डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हमने ना 2 चम्मच के आसपास यहाँ पे शक्कर डाली है, क्योंकि ये है ना अंदर से भी इतनी मिठास देना चाहिए ना कि खाते ही मुँह में घुल जाए और एकदम टेस्टी लगने चाहिए। और इसका आटा जो है वो हमें पानी से गूंथना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हम यहाँ पे केसर देवड़ा बना रहे हैं। तो ये जो है ना, हमने केसर वाला दूध भिगो दिया है। अब इसका जो कलर है ना, वो सिर्फ केसर से आया है, इसके अंदर हमने कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया है। और ये आप इसका मोइन भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा लगेगा, आपको इसका अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, इतना मोइन हमें डाल देना है। अब ये जो केसर वाला दूध है ना, ये कैसे बनाना है इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपको रसमलाई और घेवर दोनों में बता दी है। तो आप लोगों को मैं इन दोनों, यानी कि जो रसमलाई और घेवर बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि केसर वाला दूध इतना कलर वाला कैसे बनाना है, ठीक है। और ये जो हमने आटा है ना, उसके अंदर दूध तो करीब हमने 3-4 चम्मच के करीब लिया था, वो डाल दिया है। इसका कलर लाने के लिए इसे आपको अच्छे से मसलना पड़ेगा, तब बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। और फिर इसका पानी से आटा जैसे जैसे गूंथते जाओगे ना, उसी से हमारा आटा जो है वो एकदम येलो कलर का, यानी केसर फ्लेवर का हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि कितना सुंदर लेमन येलो कलर आया है ना इसके अंदर। ये खाने में भी उतने टेस्टी, और जो केसर की स्मेल आती है ना इसके अंदर से, वो बहुत ही सूदिंग लगती है। तो ये आप इसका आटा देख सकते हैं कि हमें इतना टाइट आटा इसका गूंथ लेना है। अब इसके हमें छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। और हाँ, एक और बात आपको जो ध्यान में रखनी है आटा गूंथते वक्त, वो ये है कि आपको इसका जो आटा है ना, वो ज़्यादा दबाकर नहीं मसलना है। हमें हल्का हल्का सा बस इसको मिक्स कर देना है, मतलब इकट्ठा कर लेना है, ज़्यादा मसलिएगा नहीं, वरना फिर इसके लेयर्स जो है ना वो खुलेंगे नहीं। अब हमने यहाँ पे घी को गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये सारे हमने देवड़े के पेड़े बना दिए हैं। अब इसके अंदर हमें एक टूथपिक से इस तरह से होल्स कर देने हैं, पूरे दोनों तरफ से आर पार हो जाने चाहिए होल्स, इस तरह से कर दीजिएगा। और 5-6 रो होल्स ज़रूर कर दीजिएगा। घी गर्म हो चुका है और यहाँ पे हमने सारे पेड़े में होल्स कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम घी के अंदर इसको धीरे धीरे से डालते जाएंगे, तो जैसे जैसे आप तलोगे ना, इसका जो सरफेस है वो खुलता जाएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा ये फटता जाएगा। तो अगर ये फटेगा ना, तो ही ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो आप ये मत सोचना कि ये तो फट गए हमारे, पर थोड़ा थोड़ा तो ये देवड़ा है ना, वो फटना ही चाहिए, तभी तो इसके अंदर हम मिठास डाल पाएंगे ना। तो अब इसको मिक्स करते वक्त ध्यान में रखिएगा कि आप चमचा जो होता है ना, उससे ना करें, ये फोर्क से कर दीजिएगा, जिससे कि ये टूटे नहीं और इसके अंदर और होल्स ना हो जाए। तो हमें फोर्क से इसको हल्का सा मिक्स कर देना है, और जब ये एकदम गोल्डन कलर का हो जाए, हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, तब हमें इसको निकाल लेना है। बस इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक भगोना लिया है, उसके अंदर हम 2 कप के आसपास, 2.5 कप हमें करीब चीनी ले लेनी है। और चीनी को अब हमें क्या करना है, इसकी चाशनी बनानी है। तो चाशनी के लिए हम चीनी के अंदर पानी सिर्फ उतना डालेंगे जितना कि हमारी शुगर जो है, यानी कि चीनी जो है वो डूब जाए बस, ज़्यादा उसके ऊपर बिल्कुल भी पानी मत डालेगा, वरना फिर बहुत टाइम लगेगा हमारी चाशनी को बनने में। और यहाँ पे हमारा लास्ट बैच जो है देवड़ा का, वो भी फ्राई हो चुका है। सारे देवड़े फ्राई होके तो रेडी हो गए हैं, अब चाशनी की बारी। तो देख लेते हैं चाशनी कितनी उबली है। आप देख सकते हो ये अभी थोड़ी सी पतली है, इसे और हमें गाढ़ा करना है। तो तब तक आप क्या कीजिएगा, अगर आपके देवड़े जो है वो ज़्यादा खुले ना हो, उसकी लेयर्स खुली ना हुई हो, तो आप उसके अंदर अभी भी थोड़े से होल्स कर सकते हैं। और ये देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल बन चुकी है। इस तरह से आप एक प्लेट में एक बूंद रख दीजिएगा, और बूंद अगर उसकी जगह पे ठहरी रहती है, तो हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इतनी गाढ़ी चाशनी रखनी है हमें, ठीक है, और एकदम वाइट वाइट हो जाएगी चाशनी, तब समझ जाना कि हमारी चाशनी रेडी है। और अब इस तरह से हमें इस देवड़े के ऊपर सारी चाशनी को इस तरह से हमें पौर कर देना है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि एक पूरा जो देवड़ा है वो हर साइड से चाशनी से अच्छे से कवर हो जाए।
वरना फिर उसके अंदर शुगर तो हमें कम लगेगी ना। तो ये देखिए, ये जल्दी से हमारे शुगर जो है वो ठंडी हो रही है और जम रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हिला दीजिएगा वरना फिर ये जम जाएंगे ना, तो आपको निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको जमने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि चाशनी हमने गाढ़ी रखी है, तो इस तरह से इसको खुला खुला ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, ये देखिए हमारे देवड़े जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद ना ये जो शुगर हमने कोट की है ना, वो इस तरह से बिल्कुल वाइट हो जाएगी, यानी कि जम जाएगी। तो देवड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, कैसे लग रहे हैं? तो इस दिवाली इस मिठाई को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। और हाँ, आप लोगों से दोस्ती की है तो दोस्ती दोनों तरफ से निभाइएगा। हम आपको नई नई रेसिपीज देते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब सबसे करवा भी देना, ठीक है। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। लाइक करते जाना और डिस्क्रिप्शन में दी गई हर रेसिपी को चेक ज़रूर कर लेना और आगे आने वाली बहुत सारी नई रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।